आज आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में हम मौजूद थे। उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, सभी विभाग के प्रधान सचिव, आपदा सचिव आदि सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। उसमें कई एक निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो 7 जिले में हम लोगों ने प्रथम कक्षा से 9 कक्षा तक प्रतिबंध लगाया था, वो सातों जिलों को हमने जो है प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। अब कक्षा 1 से लेके सभी कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 7 मार्च से ये स्कूल खोले जाएंगे और 7 मार्च से स्कूल खोले जाएंगे और मार्च महीना तक इसमें ऑफलाइन की पढ़ाई नहीं होगी। ऑफलाइन की मतलब परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। दूसरा है कि पार्क, पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। तीसरा है कि जितने हमारे स्विमिंग पूल वगैरह है वो सारे खोल दिए जाएंगे और रात 8 बजे का जो बंद का प्रतिबंध था उसको मुक्त कर दिया गया है। अब रात 8 बजे बंदी से मुक्ति दे दी गई है, अब पुराने सुचारू रूप से वो चले आएंगे। और जो 200 लोगों का ये था कि एकत्रित 200 लोग होंगे, उसके जगह 500 लोगों को हम लोगों ने रिलैक्सेशन किया है और साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, इसमें 50% की बाध्यता को समाप्त करते हुए 100% जो है रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा में 100% की जो है उनका सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना काम कर सकेंगे। स्पोर्ट्स खुला रहेगा, जुलूस, मेला, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा और आंगनबाड़ी के जितने केंद्र हैं वो पूर्व की तरह खुले रहेंगे, ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। कोरोना मुक्त कब तक हो जाएगा इसके लिए? ये कोरोना मुक्त भगवान से आप भी प्रार्थना कीजिए, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। सरकार जो काम करना है वो बहुत मुस्तैदी से कर रही है। अब जो है 500 के करीब जो है केसेस बचे हैं, लेकिन ये भी हम लोग बहुत जल्दी ही राज्य को 100% कोरोना मुक्त कर लेंगे और हम अब 98% से भी अबव में रहे हैं रिकवरी रेट का। 7 स्कूल पर प्रतिबंध लगाया गया था, 7 जिले के लिए, और वो 7 जिले के स्कूल पर प्रतिबंध लगा था कि वो प्रथम कक्षा से उनको नहीं खोला गया था। अब वो प्रथम कक्षा से वो भी 7 जिले खुले रहेंगे, 7 मार्च को खुल जाएंगे और उनमें मार्च तक ऑफलाइन की पढ़ाई नहीं होगी, ऑनलाइन की पढ़ाई होगी। ऑफलाइन की परीक्षा नहीं होगी, वही हाँ पढ़ाई होगी, मतलब हम थोड़ा कम पढ़े लिखे इसलिए बोलते हैं। स्पोर्ट्स में यदि कोई बड़ी प्रतियोगिता होगी तो उसमें फिर वो प्रतियोगिता के हिसाब से उपायुक्त, स्थानीय उपायुक्त, जो जिले के उपायुक्त होंगे उनसे जो है उनको परमिशन लेकर ही वो स्पोर्ट्स का मतलब बड़ा पैमाने पर आयोजन करना होगा। और ऐसे जो निजी स्पोर्ट्स करना है, आप मान लीजिए हमको दौड़ना है, फिरना है, एक्सरसाइज करना है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।